ऊंची राहों पर तो चलने वालों आप ये बताओ कि उस कपड़ा खरीदने वाले के दिल पर क्या असर पड़ेगा आपका? कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहां सकेगा अल्हम्दुलिल्लाह? वो कहेगा कितना अच्छा नौजवान है, कितना प्यारा नौजवान है, कितना भोला भाला नौजवान है, झूठ नहीं बोलता है, सच बोलता है, धोखा नहीं देता है, बीमारी नहीं करता है, भाव कम करके देता है, कहता है काम आपका चल जाएगा। वो एक जगह बोलेगा, दो जगह बोलेगा, दस जगह बोलेगा, वो 100 जगह बोलेगा, नतीजा वो छोटी सी दुकान वो बड़ी सी दुकान में तब्दील हो जाएगी। अब क्या होगा? एक तनहा बेचने वाला नहीं होगा, दो मुलाजिम, तीन मुलाजिम, चार मुलाजिम, पांच मुलाजिम अब बढ़ाया जा रहा है, अब दुकानें चल रही है। क्यों? मैं यत्तकुल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो आदमी वयरज़ुकुम मिन हैसु ला यहतसिब, जो आदमी अल्लाह से डरता है, अल्लाह से डर कर काम करता है, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से वो दे देता है जहां से उसको खबर भी उसको नहीं है, गुमान भी उसका नहीं है, और वो बड़ा मददगार काबिल हो गया। ये तो दुनिया में हुआ और आखिर में क्या उसको मिलेगा? अल्लाह के नबी शहंशाह कौन है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सच्चे ताजे हैं उनका हश्र सिद्दीकीन के साथ, शहीदों के साथ और वलियों के साथ। किसने कहा तुमको कि ईमानदारी को छोड़ दो? किसने कहा तुमको कि तुम तजारत करो तो गैर करो, तुम तजारत करो तुम्हें धोखे? किसने कहा तुमको तुम धोखे ना दो, ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो, रास्तगोई से करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसी जगह से तुमको देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं। मैं एक मिसाल देकर और बताता हूं आपको। आज किताबों में कि तीन आदमी सफर से आ रहे थे, अगर आ रहे थे पहाड़ी इलाका, तेज आंधी आई, तेज बारिश आई, वो पहाड़ के खोह में गार कहते चार तरफ से घिरा हुआ हो, थोड़ा सा रास्ता अंदर जाने का हो, वो तीन आदमी उसी अंदर में घुस गए। अल्लाह को मंजू न तो मोबाइल का जमाना, न कोई बात न हकीकत, ऊपर से पत्थर लुढ़का और लुढ़क कर उसने गार के मुंह को बंद कर दिया। अब तीनों परेशान रहा कि अल्लाह यहां से निकलने का जरिया क्या होगा, हमारी जिंदगी कैसे बचेगी? जो उसने बड़े थे उसने कहा कैसा करिए, हम लोगों ने जिंदगी में कोई नेकी का काम अल्लाह से डर कर किया है, उसका वसीला देकर अल्लाह से भीख मांगो। एक दूसरे से कहा ऐ अल्लाह तू जानता है मैं तारीब था, मालदार शख्स था, मेरे यहाँ एक मजदूर आया, उसने मजदूरी करी और मजदूरी करने के बाद मजदूरी लिए बगैर वो चला गया। मैंने देखा आज आओ कल आओ परसों आओ, इस महीने में उस महीने में आया ही नहीं। मैंने सोचा कि इसका पैसा यूं रखा रहेगा, चलो उसको माले तजारत में लगा देते हैं। अल्लाह हमने उसको तजारत में लगा दिया। अरसा बाद वो आदमी आया और आने के बाद उसने कहा अल्लाह कि मेरी मजदूरी दे दो बाबू। तो कहा कि ये सारे ये ऊंट ये घोड़े ये बकरियां ये सब तुम्हारी है, तुम्हारे हैं, तुम सब को ले रहे। अरे भाई साहब क्या मजाक करते हो, अरे एक दिन की मजदूरी है, मुझे मजदूरी दे दो ताकि अल्लाह के बंदे जब तुम नहीं आए तो हमने तुम्हारे इस अमानत को तिजारत में लगा दिया, राशन माल में लगाकर तुम्हारे माल के मुनाफे कितने हो गए कि ये सब तुम्हारे लिए। अल्लाह अगर ये आपको पसंद आया था तो अल्लाह जरा फुर्सत दे दीजिए इस चीज से, पत्थर थोड़ा बुरा दे दीजिए उसका, किसका थोड़ा। फिर उसके बाद दूसरे ने कहा अल्लाह
तू जानता मेरी बुरी माँ थी, मैं माँ से बड़ी मोहब्बत किया करता था, बकरियां चराने के लिए जाया करता था। वहां से जो आया करता था तो पहले माँ को दूध पिला लिया करता था, फिर बच्चे को और अपने अपने को पिला। भाई माफ कर दो, इस जमाने का जो हमारा नौजवान है वो अपनी माँ को कहेगा बुढ़िया, और सास अगर मिल जाए अम्मी जान सलाम अलैकुम, अब बाप को कहता बुढ़ा, ससुर को कहता अब्बू जान। अजीब हाल है भाई, अल्लाह समय वो माँ के ऊपर अपने सास ससुर और बीवी को कह दे देता है, खैर नहीं खैर नहीं, माँ जान लो तुम फुर्सत नहीं मिलेगी सहमत रखो। ऐसे लोगों को अल्लाह अल्लाह, मैं एक दिन बकरी चराने के लिए गया, दूध निकल गया, आया बकरी चरा के दूध को दुहा और लेके प्याले में लेके माँ की खिदमत में गया तो माँ बेचारी सो गई थी, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन्हें उठाऊ, बच्चे रो रहे भिड़क रहे तड़प रहे, मैंने किसी की परवाह नहीं। जब उनको थोड़ी देर के बाद थोड़े हादसे के बाद वो थोड़ा गुजर जाने के बाद उनको कुछ एहसास हुआ तो उठी, कब बेटा क्यों खड़ा हो, तो अम्मी आपने दूध नहीं पिया, मैंने अम्मी को पिला उसके बाद पिया, ये अल्लाह ये अल्लाह पसंद है तो इस मुसीबत से निजात दी, ये जल लहू मखलज है। जो अल्लाह के डर से बंदा करता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालता है, पत्थर और खिसक गया। ऐ नौजवानों सुनो कान खोल कर, तीसरा नौजवान था, ए अल्लाह तू जानता है मेरे पड़ोस में मेरी चचेरी बहन थी, नहायत हसीन खूबसूरत थी, मेरी चाहत थी कि उसको हासिल कर लूं, ऐ अल्लाह ऐसा वक्त आया कि उसके ऊपर फाका गुजरा और मजबूर होकर मेरे तरफ वो चली आई, और अल्लाह मैं बुराई में मुबतला करना चाह रहा था लेकिन अल्लाह तेरा डर इतना गालिब आया कि मैं वहीं से अपने पांव को पीछे कर लूं। अल्लाह अगर आपको मेरी यादा पसंद आ रही है तो अल्लाह हम सब को मिल जाए, पूरा का पूरा पत्थर खिसक गया और उसके बाद वो तीनों के तीनों का मैं अल्लाह, जो अल्लाह से डरता है ये जब लहू मखरजा, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते निकाल देता है। आज बार बार हमारे मौलाना कह रहे थे सोचिए समझिए और मुस्तकबिल को देखिए, फ्यूचर को देखिए, आप क्या करने जा रहे हैं, हमारे नौजवानों के साथ क्या होगा, अगर ये नहीं समझेंगे, अगर ये नहीं सुधरेंगे, ये अपने आप को नहीं बनाएंगे, नहीं संवारेंगे तो दोस्तों तबाही और बर्बादी की मुखत्तर होगा। मैं एक छोटा बड़ा वाकया शॉर्ट करके छोटा सा बयान करूं और बात में खत्म करूंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आप हम सब जानते हैं, बारहवें पारे से लेकर तेरहवें पारे तक में अल्लाह ने तफसील से उनका बयान किया, बड़े हसीन और खूबसूरत थे, भाई उनके जो सौतेले थे उनको ज्यादा नागवार गुजरा करते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, चूंकि हजरत याकूब उनके वाली साहब बाप बेटे से यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा ही प्यार किया करते थे। इन लोगों ने सोचा कि चलो इसको ले जाओ, इसको खत्म कर दो तो बाप हम लोगों से भी मोहब्बत और प्यार खूब करने लगे, कमाते खटाते तो हम लोग हैं का मोहब्बत तो यूसुफ से करते हैं ज्यादा। ले गए तो किसी ने कहा कत्ल कर दो, किसी ने कुछ कहा कि नहीं चलो वो कमर में कुआं उसी में डाल दो, वो आएगा उठा कर ले जाएगा या मर जाएगा, और कुर्ता को खोला आप उसमें जानवर दबा करके खून को लगा दिया, कपड़ा डालू कुर्ता लेके बाप के खिदमत में पहुंच गए रोते रोते रात में। बाप ने देखा तो कहा कि इसमें तो बहुत बड़ा भेद है भाई, भेड़िया ने खा लिया और कपड़ा को कुछ नहीं किया और मेरे बेटे को चीर चार के खा गया लेकिन कपड़ा सही सलामत सुबह नहीं रहा, ऐसा कहीं हुआ है कहा कि फसल जमीन चले कमान के कोए में, वहां से काफला उठा के ले गया और चले गए मिस्र के बाजार में। आज मिस्र के बाजार में गए तो एक हसीन खूबसूरत गुलाम
के बिकने का नंबर आया। तो एक बुढ़िया भी बड़ी इबरत की बात है और हमारे माशरे के लिए बहुत जरूरी है ये सुनना। वो बुढ़िया थोड़ा सा धागा लेकर के चली जा रही है यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए। लोगों ने कहा बुढ़िया, अरे तुझे क्या हुआ है, ये थोड़ा धागा लेकर जा रही है यूसुफ को खरीदने, वो अजीज मिस्र बैठा हुआ खरीदने के लिए, मिस्र के बादशाह को हदीस कहा जाता है। बुढ़िया ने कहा मैं भी जानती हूँ बेटा कि मैं यूसुफ को खरीद नहीं करूंगा, लेकिन खरीदारा ने यूसुफ पे मेरा नाम तो हो जाएगा। बड़ी कीमती बात है, बड़ी कीमती बात है। जंगल